talking shit. रहीम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुरैन ब्यूटी हब। फ्रेंड्स, जब बच्चा बीमार होता है तो माएँ किस कदर टेंशन में आ जाती हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। उस वक्त बग़ैर कुछ सोचे समझे जो हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि हम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, जो भी अवेलेबल है, कोई मेडिकल स्टोर हो वहाँ से कोई मेडिसिन ले लें और बच्चे को दें और वो जल्दी से सेहतियाब हो जाए। बच्चे की तकलीफ़ जो है माँ से ज़ाहिर है नहीं देखी जाती। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी उसको आराम आ जाए उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट एट द एंड ये निकलता है कि बच्चे को जो भी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा उसने एंटीबायोटिक से ही ठीक होना होता है और वो एंटीबायोटिक का यूज़ टू हो जाता है। और करने की बात है कि हज़ारों सालों से ज़िंदगी वजूद में आई हुई है तो तब से लोग क्या एंटीबायोटिक ही इस्तेमाल करते थे? क्या इस्तेमाल करते थे वो लोग? जी हाँ, वो लोग इस्तेमाल करते थे हर्ब्स, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मेथड जो है बहुत इफ़ेक्टिव तब भी था और अब भी है। इसको आपको बहुत बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, अब आप गूगल यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। एनी हाउ, इन सब बातों का मकसद ये है कि आज जो है वो मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक बनाने जा रही हूँ जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था और ये मैं अपने बच्चों को जब भी उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है उसकी जगह देती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। सो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ ताकि उन्हें भी जब बच्चों को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पेश आए तो वो ये दो चीज़ें दें जो कि बिल्कुल एक्सपेंसिव भी नहीं है। इनमें से एक यानी योगर्ट आपको घर में मिल जाएगी और दूसरा है फिटकरी। ठीक है, फिटकरी जो है उसको पीस लें, इस तरह से ग्राइंड कर लें, नहीं तो चूल्हे के ऊपर तवा रख के इसको थोड़ी देर रख दें, ये फूल जाएगी और जब ठंडी हो तो फिर इसको स्पून के साथ दबा के इसको मैश कर लें तो ये इस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। ग्राइंड होने से ज़्यादा अच्छी जो है ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। और योगर्ट करना क्या, आपने एक टेबल स्पून लेना है, उसमें हाफ टेबल स्पून जो है ना आपने योगर्ट का लेना है। ठीक है, और उसमें एक पिंच, एक चुटकी जो है आपने फिटकरी या के फटकरी उसकी लेनी है, एक चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी है। इस तरह से एक चुटकी इसमें मैं डाल दूँगी। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मेरे पास योगर्ट है और उसमें एक पिंच, एक चुटकी जो है वो फिटकरी की है। इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और जिस तरह बच्चों को सीरप देते हैं उस तरह बच्चों के गले में उंडेल दें। इसको देने के बाद क्या करना है आपने कि 15-20 मिनट्स जो है बच्चे को कोई फूड कोई ड्रिंक नहीं देनी है और उसके बाद जो है 20 मिनट्स के बाद आप बच्चे को कुछ भी दे सकती हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम, दो दिन आप ये टू टाइम दे के देखें आपको इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। ख़ासतौर पर जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा जब वेदर चेंज हो रहा हो जिस तरह के अब हो रहा है उस टाइम में फ्लू का आना, गले का ख़राब हो जाना, लूज मोशन लगना, मोशन से स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास तौर पे 6 महीने से लेके जो 4-5 साल का बच्चा उसको बहुत ज़्यादा होती हैं, इस सारे प्रॉब्लम्स का यही एक सलूशन है। ये आप देख के देखें आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है और आपके बच्चे की और आपकी एंटीबायोटिक से जान छूट जाएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।